जा रही हूँ मुझे। अरे तू मेरे साथ चल, तुझे ऐसे जगह लेके जाती हूँ तूने पूरी कनाडा में नहीं देखी है। आई कभी और देख लेंगे ना, वैसे भी पूरी रात में सो नहीं पाई हूँ, इतने सारे मच्छर थे, और ऊपर से आप, और ये बाल्टी कहाँ लेके जा रही हैं आप? अरे अगर ये नहीं लेके जाएगी तो पानी भरेगी कैसे? क्या कोई पब्लिक बात है क्या? हाँ ये जगह पूरी पब्लिक के लिए है, और ये बकेट लेके हम लाइन में खड़े रहेंगे, इस जगह जाने का यही सही वक्त है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। तू आ इधर खड़ी रहे, इधर ये बाल्टी पकड़ और लाइन में खड़ी रहे, मैं घर जाके और बर्तन लेके आती हूँ। पानी भरने के लिए इतनी लंबी लाइन? अरे लाइन नहीं लगाएगी तो पानी कैसे भरेगी? अरे तू क्या जानती है लाइन में खड़े होके पानी भरने का मजा, मेरी तो फेवरेट बात है। हाँ कहाँ खड़ा कर दिया मुझे? ये नखरे मत कर, चुपचाप खड़ी रहे, नंबर लगा, मैं ऊपर जाके बर्तन लेके आती हूँ, और तू देखना मैं चुपके से कैसे बीच में से बाल्टी घुसाड़ देती हूँ और पानी भर के भाग जाऊंगी, देखते रहना। वही सिखाने के लिए तुझे लाया, समझी ना? चल चल चल, रख लाइन में खड़ी रहे, हम जाके आते हैं, बर्तन लेके आते हैं, चल। आंटी, ए, कहाँ लाइन में कहाँ घुसे जा रही हूँ? आंटी सॉरी, लेकिन हम आपसे यहाँ पहले आए थे, आप हमारे आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। आंटी किसको कहा? एक्सक्यूज मी, आई केम हियर फर्स्ट। अब ज्यादा इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है, हमें भी इंग्लिश आती है। वी केम फर्स्ट, अवर बकेट हियर, एंड वी टेक वाटर फर्स्ट। मैं यहाँ आई थी, एक्सक्यूज मी, आप बताइए, मैं पहले आई थी ना, बताइए। मैं पहले यहाँ आई थी। मुझे नहीं पता, मैं आई थी तो आई थी, ठीक है चलो यहाँ से। मैं आई थी। समझ नहीं आता तुम्हें, लाइन से निकलो बाहर। मैं पहले आई थी, मैं पानी पहले लूंगी। अब छोटी बच्ची आप इतनी बड़ी है, भरने दीजिए ना पानी उसको। मम्मा खड़ी है लाइन में, देखो पानी होने के लिए। ओ कम ऑन पुष्टि, सुबह सुबह तूने मुझे ये दिखाने के लिए उठाया है? माफ कीजिए आंटी, पर ये बच्ची बेनवाज से झगड़ा नहीं करेगी, ये आगे खड़ी होगी, आपने देखा नहीं होगा, और छोटी बच्ची के साथ आप इस तरह झगड़ा कर रही है? मैं झगड़ा कर रही हूँ? मैं आई थी यहाँ पे पहले, और देखो लाइन में घुसने की कोशिश कर रही है। और ये लड़का कौन है जो मॉम से फाइट कर रहा है? मुझे क्या पता, मैंने भी अभी अभी देखा ना। उसको तो मैं देखता हूँ। अरे दादा रुकिए। अरे तो आप चिल्ला क्यों रही है? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, आप आराम से पीछे जाइए, मुझे बहस नहीं करनी है आपके। अरे दादा रुकिए ना, बड़ा भाई इतना बदतमीज है तो छोटे तो होंगे ही ना। सॉरी आंटी, पर मैंने आपके साथ कुछ बदतमीजी नहीं की है, और वैसे भी बच्चों के साथ इस तरह बात करना कुछ शोभा नहीं देता। ए! अब तुम मेरी मॉम को सिखाओगे क्या सही है क्या गलत है? अब आप मत चिल्लाइए प्लीज। यू जस्ट स्टे अवे, गॉट इट? दादा रहने दीजिए ना, दादा क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? और ये शान पुष्टि, आज देखिए ना क्या हुआ, मैं लाइन में थी वो पहले चली गई। अरे नीना छोटे बच्चे के साथ क्यों झगड़ रही है तू, समझ में नहीं आता, छोटा बच्चा पानी भरने देना उसको। आज देखिए ना फाइटर कॉक बने, पहले तो चीट करते उसके बाद आर्ग्यू करते, जब देखो झगड़ा झगड़ा झगड़ा, लगते आपके ही कोई रिश्तेदार है। हाँ हाँ रिश्तेदार है, तू भरने दे उसको पानी, समझी ना। ए ये लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। अरे आजी आप, हम ताई की शादी में मिले थे। ताई? कौन सी ताई? अंकिता ताई। ओ हो हो, अच्छा अच्छा अच्छा, नीना हमने इनकी बहन की शादी लगवा दी थी, मतलब इनकी बहन हमारी बेटी हो गई, तो ये हमारे रिश्तेदार हो गए, है ना? आई बात समझ में? पानी भर ले, पानी भरा। ये लोग क्यों पानी भरेंगे पहले? जाने दो, अपने है ना, फिर छोड़ देंगे। चल लाइन में जा, जा। चल 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 आगे चल, आगे चल। ओह माय गॉड, यहाँ आकर रिलेटिव्स भी बनाए तो वो भी चौल वाले, क्या मेंटालिटी है। अब पता नहीं और कितने दिन यहाँ रहना है। अच्छा हो कि वो सोहम मिले ही नहीं और उसकी प्रॉपर्टी भी हमारे हिस्से में आ जाए। अरे मानसी तुम यार आओ। नमस्ते। नमस्ते, जरूर अंकिता ने बताया होगा, हमें मंदिर में मिली थी। नहीं
ताई ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं खुद ही आप सबसे मिलने आ गई। वो मैं और शशांक कल ही इस चौल में शिफ्ट हुए हैं, बच्चे भी हमारे साथ इसी चौल में रहेंगे। सुबह प्रशांत पानी भरने गया था तो वो आज ही से मिला, उसी ने मुझे बताया कि आप सब कनाडा से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा मैं आप सबसे मिल लेती हूँ इसीलिए आ गई। लड्डू हाय आजा। इंस्पेक्टर सर आप यहाँ? मेरे बेटे का कुछ पता चला? एक्चुअली कल रात को अनफॉर्चुनेटली हम सोम को पकड़ नहीं सके। लेकिन हमें बार ओनर से पता चला है कि वो अक्सर उसकी बार में आके उधारी की दारू पीता था। और हमें ये भी पता चला है कि कल रात को वो गांव चला जाएगा। मानव अगर वो सच्ची बिहार चला गया तो हम कैसे उसे ढूंढेंगे? मानव पिछली बार भी वो बिहार। मानव मैं अपने बच्चे को फिर से खोना नहीं चाहती, कुछ कीजिए मानव, वरना मैं सोहम को इस बार फिर से खो दूंगी। मैं कैसे ढूंढ कर लाऊंगी उसे, बताइए ना आप, मुझे सोहम चाहिए। मानव एक काम करते, हमने पिछली बार जहाँ सोहम को देखा था वहीं चलते, वो वहीं आएगा, मुझे पता है। मैं अपने सोहम को खोना नहीं चाहती किसी भी हालत में। मानव नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने एक टीम ऑलरेडी इस काम में लगा दी है। वो दादर से विरार तक सर्च ऑपरेशन कर रही है और मैंने सारे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और बस डिपो में उसके फोटो भी दे दिए हैं। जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। अर्चना शांत हो जा, तू इतना टेंशन मत ले बेटा, इंस्पेक्टर उनका काम कर रहे हैं ना, तो हमको ढूंढ निकालेंगे। शांत हो जा। एक दो नहीं, 20 साल गुजर गए, जमाना बदल गया, लेकिन ये आदमी वैसा का वैसा है। दारू पीता है, बाल जाता है, उधारी करता है, गुंडा, नालायक। नमस्ते, मैं चलती हूँ। मैं पापा से प्रार्थना करूंगी आपका बेटा जहां भी हो आप सबको जल्दी मिल जाए। नमस्ते। नरेंद्र सर, मैंने सारे पेपर्स पे साइन कर दिया है, अब आप आके साइन कर लीजिए इन पेपर्स पे। और हाँ, इस बार नरेन करमरकर के नाम से करना। आइए सर। अरे यार, मैं नरेन करमरकर हूँ तो नरेन करमरकर के नाम से ही करूंगा ना, पता नहीं क्यों अमन माथुर के नाम से साइन कर दिया था पहले मैंने। मेरे दिमाग में बार बार अमन माथुर, अमन माथुर क्यों हो रहा है? नरेन सर, वो एक्चुअली इसलिए होता होगा क्योंकि वो अमन अमन का नाम हो रहा था ना बार बार, इसीलिए शायद हो गया होगा। आना से ज्यादा मैं अमन माथुर, अमन माथुर कर रहा होता हूँ। थैंक यू, ये मैं शेखर को पहुंचा देती हूँ। नरेन सर, वो आज मैं ऑफिस गई थी ना तो आपको पता है मुझे वहां कौन मिला? कौन? परी। परी कौन? परी अर्जुन सर की बेटी। तो उसके पर भी होंगे? नरेन सर कुछ भी। अरे परी है तो पर होने चाहिए ना, उड़ेगी कैसे वो? वैसे अर्जुन सर ने कभी बताया नहीं कि क्योंकि परी नाम की कोई बेटी भी थी। आजी वो तो बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है, मतलब शी इज लाइक योर कार्बन कॉपी। मुझे पता है, तुझे पता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना तो मैं भी तेरी तरह हैरान हो गई थी। मैं बस उसे देख ही जा रही थी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो बहुत अच्छी लड़की, उसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और तुझे पता है अंकिता को सबसे पहले किसने देखा? अर्जुन ने। अर्जुन के ऑफिस में काम करने लगी थी और तब अर्जुन ने पूर्वी को फोन करके बताया था, मुझे याद है अच्छे से। और उसकी जिससे शादी हुई है उसका नाम है नरेन करमरकर। वो और अर्जुन एक दूसरे के पार्टनर्स हैं और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैंने और मानव ने उसका कन्यादान किया था, उसकी शादी में हमने उसकी बहुत मदद की थी।
बहुत ही प्यारी बच्ची है, अंकिता बता रही थी। नाइस गर्ल, मुझे अच्छा लगा उससे मिल। एक्चुअली गुड, हमें जाके मिलना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। एंड वैसे भी अर्जुन अंकल इज वन ऑफ माय बेस्ट अंकल्स, एक्चुअली मेरे फ्रेंड जैसे हैं बिजनेस के लिए। और परी को बताऊंगा कि उनके डैड के साथ मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट्स किए, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, और शिकायत भी करूँगा। शिकायत क्यों? हाँ यार, वो ना खाना टाइम पे खाते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, वेरी अनहेल्दी। परी को बोलूंगा तो शायद सबक मिलेगा। आप तो ऐसे बोले ना नरेंद्र सर, जैसे आप दिन में 1 बजे बिल्कुल प्लेट लेके बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, इतना पसंद है आपको। लेकिन मैं एक्सरसाइज तो करता हूँ ना, और जब से तुम आई हो तब से कोशिश तो कर रहा हूँ टाइम पे खाना खाने की। थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ आजी, पता नहीं उस लड़की में कुछ तो बात है। आज हम पहली बार मिले थे, पहली बार बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा हमारे बीच में कोई कॉमन थ्रेड है। आई मीन मे बी हमारी सोच मिलती है या हमारी पसंद सेम है, पर पता नहीं मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। मुझे भी ऐसे ही लगा जब मैं और मानव उससे पहली बार मिले, तो वाकई में ऐसे लगा जैसे जैसे इस लड़की को हम जानते हैं। बहुत अपनी सी लगी, उसकी शादी कराई। तुझे पता है परी, उसकी शादी में बहुत मुश्किलें आई थी, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन अभी अभी मैं जब मंदिर गई थी ना, तब मैं उससे वहाँ मिली, मुझे लगा कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। अब जाके ऐसे लगता है जैसे मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हुई। आपको पता है नरेंद्र सर, आज जब मैं परी से मिली थी ना, तो मुझे उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही स्वीट है, इतने अच्छे से उसने बात की। हमें एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन ऐसे लगा जैसे पता नहीं कहीं ना कहीं हमारा एक रिश्ता है। अब पता नहीं उससे मुलाकात होगी भी कि नहीं, क्या हुआ सब? बहुत हो गया कि परी परी, आई डोंट लाइक इट। क्यों? तुम्हें पता है परियों के पास ना जादू होता है, अगर तुम्हें मुझसे छीन लिया तो। नहीं सर, मुझे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये परी वरी भी नहीं ना? कोई भी। आप चले सोने। इंडिया, इंडिया इज टू गुड, इनफैक्ट इट इज बेस्ट। यहाँ का खाना क्या बताऊँ मैं तुझे, इट्स वेरी नाइस। तो पाव भाजी, सेव पूरी, इट्स यम्मी यार। पानी पूरी, ए मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? पानी पूरी, रुको। अरे माफ कीजिएगा, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? ज्यादा लगी तो नहीं आपको? आप तो क्यों रही हो? माफ कीजिएगा जी, आपको लगी तो नहीं? नहीं। I'm so sorry, मैं यहाँ से आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और नहीं, I'm sorry। अरे आपको तो खून आ रहा है, एक मिनट एक मिनट। पुष्टि, माय फोन। ये क्या कर रहे हो? देखिए मिट्टी लगाने से खून बंद हो जाता है। पुष्टि, देखिए माफ कीजिए, मैं जा रहा था, मेरा ध्यान नहीं था, I'm so sorry। I'm sorry, मैं वो पानी पूरी देख के ना भाग रही थी ना, तो इसलिए। अब मेरी छोटी बहन जैसी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। I'm so sorry, I'm so sorry। देखिए नहीं चल सकते हो क्या? देखिए माफ कीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये दौड़ती हुई आ रही थी, इनका ध्यान कहीं और था। शट अप, आप मुझसे लड़ने की वजह इनको घर लेके जाइए, इनको चोट आई हुई है। सुन, मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हें, पहले तुमने मेरी मॉम के साथ झगड़ा किया और अब मेरी सिस्टर को तुम्हारी वजह से चोट आई है। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। शट अप, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, लड़ी चौल पीपल। चुप, चौल वालों को कुछ कहा ना तो बड़े क्या करेगा। अरे उसको से लगाया तूने? दादा मत झगड़िए, जस्ट स्टे अवे। अबे गाली कैसे दी? गौरव, गौरव, छोड़ो, एक दूसरे की जान लो क्या? गौरव, गौरव, छोड़ो, 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 क्या हो क्या रही? क्यों झगड़ रहे हो? हाजुबा, हाजुबा मेरी कुछ भी गलती नहीं है, ये इसने शुरू किया था, ये चौल वालों को गाली दे रहा था। और अब आप ही बताइए, चौल में रहने वाले लोग इंसान नहीं होते क्या? माना कि हमारे पास पैसे कम है, लेकिन इंसानियत इनसे दोगुना ज्यादा ही है। छोटे कमरों में जरूर रहते हैं, लेकिन दिल हमारे बड़े हैं। तुम बड़े घर में रहने वाले लोग। अजूबा, इसकी वजह से पुष्टि को चोट लगी है। नहीं अजूबा, मुझे माफ कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ, ये दौड़ती हुई जा रही थी, लग गई, मेरी कुछ भी गलती नहीं है। अजूबा, अजूबा, गलती मेरी थी, मैं पानी पूरी वाले को देख के भाग रही थी बिना देखे, और इन्होंने तो मेरी हेल्प की है, और गौरव दादा इनसे झगड़ने लग गए, इनकी कोई गलती नहीं थी। गौरव, जिस चौल को तुम भला बुरा कह रहे हो, उसी चौल में तेरे आजूबा बड़े हुए,
मैं भी इसी चौल का हिस्सा, और आज जो कुछ भी तुझे मिल रहा है ना, इसी चौल की मेहरबानी। अगर ये चौल नहीं होती तो मैं नहीं होता। इस चौल को गाली देने का मतलब है मुझे गाली देना। मैं समझ सकता हूं कि तुम कनाडा में पले बड़े हो, वहां की लाइफस्टाइल देखी तो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया में पले बड़े इस चौल में रहने वाले लोग बुरे हैं। बेटा, गौरव की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं सुबह, ठीक है, चल बेटा। I'm sorry. नहीं ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। मैं आपको प्रशांत दादा बुला सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी। क्या इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप? जी हाँ परी, मैंने तुम्हारी कंपनी के सारे पेपर वर्क देख चुका हूँ। आई थिंक इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने में ही तुम्हारा फायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि सारे लीगल इश्यूज वर्किंग लेवल पर ही सॉल्व हो जाएंगे। आपकी पार्टनर कंपनी को यहाँ के मिनट फंक्शनिंग के बारे में उनको पूरी जानकारी होगी, सो यू नो देयर वोंट बी एनी मेजर इश्यूज। यस मिस्टर गुप्ता, योर प्रपोजल इज गुड, बट मैं ऐसे कैसे किसी भी अननोन कंपनी के साथ, आई मीन आई एम न्यू हियर, आई कांट ट्रस्ट एनीबडी। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिन पे तुम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती हो। You know, कल मेरी कैबिन में आपकी मुलाकात मिसेस अंकिता करमरकर के साथ हुई थी। हाँ, exactly. मिसेस अंकिता दो कंपनीज की मालिक है। If you don't mind, मैं आपके पार्टनरशिप का प्रपोजल उनके सामने रखना चाहूंगा। Oh, that would be nice. I mean, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिली हूँ और ज्यादा जानती नहीं हूँ उनके बारे में, बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है मैं उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ। Yes, मैं इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। मिसेस अंकिता कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ेगी। सो एनीवेज मिस परी, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आप दोनों की मीटिंग फिक्स करवा दूं। श्योर, थैंक्स। डन, ओके। मैं बहुत खुश हूँ। बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अब वो आने वाला है। मतलब मैं समझी नहीं सर। मैं समझाता हूँ, सुनो। एक कनेडियन कंपनी है, वो यहाँ पर बिजनेस करना चाहती है, एक प्रोजेक्ट करना चाहती है, और शिखर है ना वो उस कंपनी का लीगल एडवाइजर है, तो उसने सजेस्ट किया कि तुम क्यों नहीं पार्टनर बन जाती, एंड दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, तुम्हारा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। एंड गेस व्हाट, तुम्हारी दूसरी पार्टनर कौन है? सर कौन है? गेस। नहीं पता सर। अर्जुन सर की बेटी परी। परी? हाँ। सब परी यहाँ प्रोजेक्ट चालू करना चाहती है। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, ओके? एंड इंडिपेंडेंटली, तुम ही हो। लेकिन सब मैं कैसे? क्यों नहीं कर सकती? आना देखो प्लीज प्लीज, तुम इसके लिए कोई बहाना मत बनाओ, मैंने ऑलरेडी हाँ बोल दिया शेखर, और तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी ऑफिशियल मीटिंग में परी, ओके? यू आर डूइंग इट, दैट्स इट, दैट्स फाइन। नरेंद्र सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या नरेंद्र सर, मैं परी के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? वो कितनी एक्सपीरियंस है और वो इतने अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल करती है, उसने ऐसे पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट हैंडल भी किए होंगे। आई कांट डू इट, आई मीन मुझे बहुत डर लगता है। मैं अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं कर लूंगी, प्रॉमिस, लेकिन आप मेरे साथ चलिए। स्कूल की बच्ची हो, पापा तुम स्कूल लेके जा रहे हैं क्या? आना, यू आर डूइंग दिस एंड ऑल बाय योरसेल्फ, तुम अकेले कर रही हो। सुन, मैं तुम्हारे साथ तो हूं ही ना, मॉरली आई विल सपोर्ट यू, लेकिन बाकी सब कुछ तुम्हें खुद करना है, तुम्हें खुद करना है। आना देखो प्लीज जिद मत करो। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जिद मत करो। और अच्छा, वो क्लाइंट मीटिंग जो हमने करी थी उससे पहले तुम कितना डर रही थी, याद है तुम्हें? लेकिन कितनी अच्छी हुई मीटिंग, वो कितना इंप्रेस हो गए थे क्लाइंट्स। आप थे ना वहां? देखो आना, दिस इज योर शो, यू आर हैंडलिंग। और एक मिनट, इधर इधर बैठो नरेंद्र सर, प्लीज मेरी, आप मुझे सब इधर बैठो, और तुम मीटिंग कर क्या कर रहे हैं? सो नाइस नरेंद्र सर, मेरे कपड़े क्यों निकाल रहे हैं इस तरह? आना, जब मैं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाता हूं तो मेरे कपड़े निकालती हो ना, तो सिट डाउन, सिट।
इसको करने दो। नरेन सर ये क्या कर रहे हैं आप? और क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए? क्या एक मिनट, हैंडकरचीफ, वॉच मैचिंग है ना, पर्स, इट्स नाइस। हेयर क्लिप, दिस वन बहुत अच्छी लगती है इसमें। हर बार तुम मुझे तैयार करती हो ना, अब मैंने सब सेट कर लिया। तुम्हारा लैपटॉप चार्ज करके गाड़ी में भिजवा दूंगा एंड आई थिंक दैट्स इट। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, कम ऑन, अब उठो और जल्दी रेडी हो जाओ, गुड गर्ल। नरेन सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसी मीटिंग्स में जाती हूँ ना तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं नर्वस हो जाती हूँ। अगर आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे डर नहीं लगता। लेकिन आप वो परी दिखने में कैसी है? क्यूट है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, अच्छी दिखती है सर। तो तुम रिस्क क्यों ले रही हो? मैं अगर जाऊंगा और मैंने देख लिया और वो मुझे और मैं उसे पसंद आ गया तो वो तो मुझे उड़ा के ले जाएगी। हाँ तो तुम रिस्क क्यों ले रहे हो? ऐसा रिस्क मत लो। नरेन सर ना मैं देखो, मैं किसी परी के साथ मीटिंग नहीं कर सकता। ओके मेरी परी तुम हो, ओके, जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ की मीटिंग ऑलरेडी सेट कर ली। तुम जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, गुड गर्ल, गुड। नरेन सर